यह विरोध इसलिए हो रहा है कि अभी इसमें क्या है कि एपीएमसी में जो कमीशन एजेंट है वो खेडूत पे 6 से 7% कमीशन लगाते हैं, वो बीच का उनका रास्ता कट जाएगा। और एपीएमसी जो कमेटी है उनका भी हाथ से यह सब निकल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि हमारी ये सत्ता से सब बाहर हो जाएगा, उसकी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और सरकार ने पिछले 3-4 साल से ये सब टेका के भाव बढ़ाए। पिछली सरकार में तो गेहूं का भी दाम नहीं बढ़ा था, अभी गेहूं का 1950 है। अभी मार्केट में पहले बेचने जाओ डायरेक्ट व्यापारी के पास तो वही गेहूं 1500-1600 में लेंगे, वो फिर 2500 में वो बेचते हैं। और एक अच्छा है कि सरकार अभी ये 1950 में गेहूं खरीद रही है, मगफली का एक फिक्स भाव किया है। ये बिल तो खेडूत के लिए सही है। जो दो कृषि बिल लाए हैं वो खेडूतों के हित के अंदर लाए हैं। इसमें ऐसा है कि माल खेडूत पकाता है, पकाने के बाद जो एपीएमसी के अंदर बेचने जाते हैं तो वही 15-20 जो लाइसेंस धारक है वही माल खरीद सकते हैं। और इसमें क्या खेडूत मजबूर होता है कि माल की आयात ज़्यादा होती है तो जो व्यापारी खरीदना है वो व्यापारी खेडूत का माल जो दाम नक्की करे वही वही दाम से खेडूत को बेचना पड़ता है। और खेडूत मजबूर होता है कि भाई जो दाम होवे वो आपका माल ये मंडी में बेचो, दूसरी मंडी में बेचो और तीसरी मंडी में बेचो तो आपको एक सरखा दाम नहीं मिलेगा। ये मंडी में से वो मंडी में 25 रुपया फेर होगा, वो मंडी में 50 रुपया फेर होगा, यानी खेडूत को जो माल पका था उसका सही दाम नहीं मिलता। और खेडूत मजबूर होता है, जो लाइसेंस धारक व्यापारी है उसको माल बेचना मजबूर होता है और उसको पैसा लेने के लिए वो खुद का माल कहीं दूसरी जगह पे नहीं ले जाता है। हमको मालूम है उसी हिसाब से मोदी साहब ने ये बिल ऐसे लाया है कि खेडूत जो खुद का माल पकाता है वो माल ये मंडी में बेचने गया तो उनको लगे कि भाई मुझे चलो सही दाम नहीं मिलता है तो दूसरी मंडी में फ़ोन करके पूछ देगा भाई वहीं क्या भाव रेट चलता है, तो बोले ये रेट चलता है, वहीं से वो ये माल उठा के वो मंडी में भी बेच सकता है।